और इस वक्त आपको बता दें, बंगाल एसटीएफ ने सोमवार को डानकुनी टोल प्लाजा के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल में झारखंड के धनबाद से आ रही बस की पुलिस ने तलाशी के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। सूचना के आधार पर बस की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ की टीम ने हुगली जिले में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर डानकुनी टोल प्लाजा के पास सोमवार तड़के झारखंड से आ रही बस में छापामारी करके 40 अर्धनिर्मित पिस्तौल का बड़ा जखीरा जब्त किया है। जी हां, एसटीएफ ने इस सिलसिले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार इनमें एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। आपको बता दें, पूछताछ में पता चला है कि इन अर्ध निर्मित हथियारों को धनबाद से कोलकाता के गार्डन रिच लाया जा रहा था। गोपनीय सूत्रों के आधार पर एसटीएफ की टीम ने धनबाद से कोलकाता आ रही बस में छापेमारी की। तलाशी में इनके बैग से ये हथियार मिले हैं। इसके बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने सोमवार को सभी आरोपियों को श्रीरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसटीएफ ने इस घटना के संबंध में डानकुनी थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। इससे पहले भी एसटीएफ ने अगस्त में इसी जगह पर छापेमारी करके बड़ी तादाद में अवैध पिस्तौल बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।